हे गाइस, नमस्कार सभी को। सभी बोलो जय श्री राम। तो गाइस, थोड़ा जूम कर रखा है मैंने आज, ठीक है, एक सेकंड। आपका तो फर्क नहीं पड़ा, पर यहाँ पे बस ये लाइट जल गई इनकी, तो सारे कमेंट कर देंगे जय श्री श्याम, ठीक है। यार मैंने जैसा कि आपको कल बताया था, एक्चुअली में कल मुझे ना कंफ्यूजन हो गई थी। मैंने टाइम देखा पिछले वाले ब्लॉग का, जो मैंने संडे को डाला था, ठीक है। संडे को डालने के उससे मतलब दिक्कत आ गई थी, वो मतलब मैं कंफ्यूज हो गया था। मैंने सोचा कि जैसे संडे को 5:30 बजे के आसपास ब्लॉग आ गया था, मैंने सोचा कि 5:30 बजे स्ट्राइक कटेगी। पर मुझे याद है मैंने जो व्लॉग डाला था अपना अगले दिन, वो तो मैंने 7 बजे डाला था, दिवाली वाला व्लॉग, तो इसलिए वो 7:15 बजे के आसपास स्ट्राइक हटी थी, ठीक है। मतलब हटेगी अभी, आपके लिए तो मतलब आ चुका होगा व्लॉग, तो वो तब जाके 7:30 या 8 बजे तक आएगा व्लॉग, या फिर आपके लिए तो आ चुका है, मैं अभी मतलब होएगा। पर अभी डाल रखा है, अभी उसी के अंदर वो लिखा रहा है 2 मिनट स्ट्राइक्स, वो लिखा आता ही है, वो तो पता है मुझे। चलो अब सीधा पार्क चलते हैं, पार्क की क्लिप दिखाता हूँ। उससे पहले ना मुझे अपने फोन का कवर लेना है, ठीक है। ये थोड़ा सा ज़्यादा सिंपल वाला कवर हो गया, ठीक है, थोड़ा सा कवर बढ़िया सा लेंगे। ज़्यादा ना मुझे वो वाला भी नहीं अच्छा लगता, बिल्कुल ही अलग, मतलब समझ रहे हो ना कैसा, और मुझे बिल्कुल सिंपल भी नहीं अच्छा लगता। मतलब ये बिल्कुल सही है, पर इसके अंदर बस एक दिक्कत है, ये कंपनी का कवर है ना, तो इसके अंदर ये होता है, और ये इससे बहुत दिक्कत करता है फिर चार्जिंग पे लगाने के लिए, ठीक है, इसीलिए। बाकी ठीक है, ये ज़्यादा मतलब मुझे इतना ज़्यादा तड़का भड़का कवर नहीं चाहिए होता। बाकी देखते हैं कुछ जो भी बढ़िया लगेगा कवर ले आएंगे। बाकी एक सेकंड रुको आप, ये मेरे गाइस एप्पल की ईयरबड्स है, या आपको पता ही है सबको, ठीक है। एक सेकंड, ब्लूटूथ ऑन है मेरा, मैं ब्लूटूथ ऑफ कर लूँ वरना ये इससे कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। मैंने इनको खोला, ठीक है। अब इनके अंदर आप देखो, ये सारा मेकअप का सामान, ठीक है। इसका एक का जो है ना वो टूट गया था, उसकी वजह से वो टूट के गिर गया, तो मैंने उसको उठाया क्योंकि वो सारा टूट गया था। इसका लगा हुआ है अभी ये टिप, ठीक है, इसको बोलते हैं ईयर टिप बोलते हैं उसको, ठीक है। तो अब पर ना इसका जो डब्बा है जिसके अंदर ये मतलब इसके एक्स्ट्रा ईयर टिप्स आते हैं, वो पता नहीं कहीं मिसप्लेस हो गया है। मैंने रखा तो था पर वो वहाँ है ही नहीं, तो इसके कारण अब दिक्कत ये आ रखी है कि इसको मैं एक ही से चलाना पड़ रहा है। पर मैंने पता करवाया है कि इसके ईयर टिप्स मिलते हैं, ठीक है, तो ईयर टिप्स भी लेने हैं उसी से, दुकान वाले से, उससे पूछ लेंगे जहाँ तक उस पर होने चाहिए, उस पर सारी चीज़ें होती है, उससे पूछ लेंगे। नहीं होंगे तो ठीक, क्या नाम है, कोई नहीं, मैं फिर ऑनलाइन मंगवा लूँगा। ऑनलाइन देखे हैं मैंने, ऑनलाइन मिल रहे हैं 130 के आसपास के शायद, ठीक है, देख लेंगे वो तो कोई नहीं। अभी पहले इसका कवर ले लेते हैं, और इसके ईयर टिप्स अगर होंगे तो उसी से ले लेंगे, वरना फिर ऑनलाइन मैं ऑर्डर कर दूंगा। चलते हैं पार्क चलते हैं, कवर तो आपको आके ही दिखाऊंगा ना ऑब्वियसली। चलो हम आ चुके हैं वॉक करके, ठीक है। अभी तो आज बाजू में सही लग रहा है, मतलब ठंड भी नहीं लग रही, ठीक है, ठंड तो लगी नहीं रही, गर्मी भी नहीं लग रही। लास्ट में आके जब मैंने मतलब 15-20 चक्कर काट लिया था ना, तब मुझे थोड़ी सी गर्मी लगी, ठीक है। जैसे गर्मी लगी ना, मतलब एक तो देखो शरीर वैसे तो ठंडा हो रखा है क्योंकि बाहर हवा तो चली नहीं है ना, पर मुझे लग गर्मी दी है,
तो ये मुझे थोड़ा अजीब सा लगा आज, तो इसलिए जैसे मुझे गर्मी लगी अंदर से, और बाहर अभी भी शरीर जो है ना मतलब गर्म हो रहा है, पर कुछ कुछ मतलब ऐसा लग रहा है स्किन पे, ऐसा लग रहा है कि स्किन ठंडी हो रही है। टच करके देखूंगे तो इतना सॉरी तो इतना फर्क नहीं लगेगा आपको, ठीक है, पर अंदर से मुझे फर्क पता चल रहा है कि अंदर मेरे को गर्मी लग रही है और मेरी बाहर जो है स्किन ठंडी है। और वो क्यों लग रहा है क्यों नहीं लग रहा वो मुझे पता नहीं, कैमरा एंगल बिगड़ गया, ठीक है। बाकी आप कवर देख सकते हो भाई, मैंने जैसा आपको बताया था, अब मैं आपको बैक कैमरे से उतार के भी दिखा दूंगा, ठीक है। मेरे को ना सिंपल चाहिए भाई बिल्कुल, पर उसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ क्या दिक्कत थी, वो लेके आता हूँ कवर। तो गाइस ये देख लो गाइस, इसके अंदर आपको कुछ खास फर्क नहीं दिखेगा, समझ रहे हो, इसके अंदर आपको कुछ खास फर्क नहीं दिखेगा। इसके अंदर वन प्लस का लोगो है और ये सिलिकॉन में है, ये ऐसा मुड़ भी जाता है, मतलब समझ रहे हो, क्रश हो जाता है और उसको कुछ नहीं होता, फिर ये अपने शेप में आ जाता है, सिलिकॉन इसी को बोलते हैं, ठीक है। ये पूरा हार्ड है, देखो ये पूरा हार्ड है और इसके साइड थोड़ी सी नहीं, साइड भी हार्ड है, मतलब थोड़ी थोड़ी है, मतलब ज़्यादा मुड़ने वाली नहीं है, पर इसकी साइड, इसके अंदर देखो बढ़िया प्रीमियम सा कपड़ा लगा हुआ है, मतलब ये फ़ोन की बैक को ना सही रखता है, वरना कुछ जो प्लास्टिक का होता है ना पीछे, वो उसके अंदर डस्ट चली जाती है, जैसे ये होल्स होते हैं ना इनके अंदर से, कहीं से भी चली जाती है यार, यहाँ से अब ये कैमरा का इतना बड़ा होल है ये तो बंद नहीं करेंगे, और उसके अंदर यहाँ पे डस्ट चली जाती है और वो फ़ोन पे ना इकट्ठा हो जाती है। मेरा एक बहुत पहले फ़ोन था, मैं नया लेके आया था और उसको 2 महीने के अंदर अंदर मैंने कवर मतलब लगाया था उसके अंदर नया, ठीक है, 2 महीने के अंदर अंदर नए फ़ोन के अंदर पीछे जो ग्लास है ना उसका पूरा पूरे के ऊपर डॉट 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 डॉट, ठीक है। मतलब मैं सैमसंग वाला एक मेरे पे फ़ोन था अभी, इससे पहले तो आपको रियलमी वाला फ़ोन आपने देख ही रखा है, ठीक है, सैमसंग वाला फ़ोन आपने नहीं देख रखा मेरा, ठीक है। एक सैमसंग वाला फ़ोन भी था मेरे पे, उससे पहले एक फ़ोन था वो मैं नया लाया था, ठीक है, सैमसंग वाला तो मैंने मम्मी से लिया था, ठीक है, मम्मी से भी क्या ही लिया था, नया ही समझ लो यार, थोड़े दिन चलाया था मम्मी ने, इतना ना मतलब मम्मी को ना सिंपल नहीं चाहिए, कैमरा अच्छा चाहिए थोड़ा सा, समझ लो, ठीक है यार, ये कैमरा बार बार वो क्यों हो रहा है। चल ये देखो गाइस 10x2 ये भी हार जाता था मैं, ठीक है। हाँ सुनो गाइस, एक्चुअली में ना ये जो कवर है इसकी 2 दिक्कत थी, एक तो देखो ये नीचे जो है ना ये 4 दिन के उसमें बहुत दिक्कत आती थी, इसको पहले तो ऐसे करो तो दूसरे हाथ से इसको ऐसे करके इसको दूसरे हाथ से वो पकड़ के वो करवाओ, बहुत उसमें ना दिक्कत झंझट रहता था, ठीक है। तो अब मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, ये वाला कवर मेरा बहुत बढ़िया आ चुका है, ठीक है, और ज़्यादा उसने महंगा भी नहीं दिया, सही सा दे दिया, मतलब महंगा तो क्या ही कहेंगे यार, फ़ोन जब इतना बढ़िया ले रखा है तो कवर से क्या दिक्कत है, ठीक है। छोड़ो थोड़ी सी मजाक की बात होती है यार ये, ठीक है, ये कैमरा एंगल सही है, हाँ ठीक है। तो चले यार, आपने देख ही लिया आज मैं वॉक करके आया, अच्छी खासी वॉक करी आज मैंने, मज़ा आ गया, मतलब मैं यहाँ से 1 साल बाद जा रहा हूँ लगभग, जब मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट करा था ना उससे 2 महीने पहले गया था, और 2 महीने ही अभी हमारे चैनल को बचे हैं पूरा 1 साल होने में। यार मैं सोच रहा हूँ 1 साल पे अगर 100 सब्सक्राइबर्स हो गया तो यार देख लो यार थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि 1 साल के अंदर अभी तक 100 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए यार, जबकि डेली व्लॉग्स आ रहे हैं। 7 दिन तो चलो अलग थे यार, इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता था, ठीक है। चलो बाकी बस मैं कुछ नहीं कहूँगा, व्लॉग एंड बाय, कुछ अगर होगा तो वापस आपको आगे दिख जाएगा, नहीं होगा तो बाय, वैसे तो कुछ है ही नहीं भाई, बाय भाई, यही ऐसे व्लॉग थोड़े देख लेना, अभी पेपर आ रहे हैं, पेपर में आपको वैसे वाले व्लॉग दीजिए कंप्यूटर वाले, बाय।